हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एसी ऑनलाइन एजू। आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एसी ऑनलाइन एजू में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में, नाउन के विषय में और प्रोनाउन के विषय में। लेकिन आज इस वीडियो लेक्चर में मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही जो तीसरा पार्ट है एडजेक्टिव, उसके विषय में हम यहाँ बात करेंगे। एडजेक्टिव क्या होता है? तो देखिए, द एडजेक्टिव हिंदी में हम इसको कहते हैं विशेषण। एडजेक्टिव क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखिए। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई और डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन, अर्थात जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, उसका वर्णन करते हैं, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। बात समझ में आई? जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। एज एग्जांपल्स ले लीजिए, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो इसमें एडजेक्टिव क्या है? राम की अच्छाई, राम की विशेषता क्या है? राम एक अच्छा गुड बॉय है, तो यहां एडजेक्टिव हुआ अपना गुड। सेकंड देखिए, सैम इज अ बैड बॉय, सैम एक बुरा लड़का है, राम तो अच्छा लड़का था, उसकी अच्छाई थी, उसकी विशेषता गुड, लेकिन सैम बैड बॉय बुरा लड़का है, तो यहां एडजेक्टिव क्या हुआ? बैड। सैम की क्या विशेषता है? वह बुरा है। थर्ड देखिए, सीता इज अ नटी गर्ल, सीता कैसी लड़की है? सीता है एक नटखट शरारती लड़की है, तो सीता की विशेषता क्या हुई यहां पर? नाटी, तो यह हमारा क्या हुआ? एडजेक्टिव। फोर्थ, दिल्ली इज अ बिग सिटी, दिल्ली की क्या विशेषता है यहां पर? बिग, दिल्ली एक बड़ा शहर है, तो इसकी विशेषता दिल्ली की क्या बताई गई यहां पर? बिग। तो इस प्रकार से राम कैसा लड़का है? अच्छा, उसकी विशेषता है गुड। सैम कैसा लड़का है? बुरा, उसकी विशेषता होगी बैड। थर्ड, सीता इज अ नॉटी गर्ल, सीता की क्या विशेषता है? शरारती है, तो एडजेक्टिव क्या हुआ? नॉटी। फोर्थ में, दिल्ली इज अ बिग सिटी, दिल्ली की क्या विशेषता है? बिग, दिल्ली एक बड़ा शहर है। और भी कुछ भी ले लीजिए, जैसे अलीगढ़ इज अ स्मॉल सिटी, तो इसकी अलीगढ़ की विशेषता क्या है? वह स्मॉल है। या कुछ भी ले लीजिए, सीता इज स्मॉल गर्ल, सीता की विशेषता क्या है? वह स्मॉल है। तो इस प्रकार से होता है हमारा एडजेक्टिव। अब बात करते हैं आगे यूज ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव का जो है टू टाइप्स, दो प्रकार से यूज होता है। तो अब हम बात करते हैं यूज ऑफ एडजेक्टिव। इसका यूज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के दो प्रकार से यूज होता है। नंबर एक है अपना एट्रीब्यूटिव, ब्यूटिव यूज है इसका। सेकंड होता है अपना प्रेडिकेटिव यूज। एडजेक्टिव का टू टाइप से हम यूज करते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज और सेकंड है अपना प्रेडिकेटिव यूज। तो अब इसको हम डिटेल में जानते हैं। तो बच्चों, बात करते हैं हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की, फर्स्ट यूज की। जैसे इसका डेफिनेशन है अपनी, इज एन एडजेक्टिव दैट यूजुअली कम्स बिफोर द नाउन और प्रोनाउन। इसका मतलब होता है जो शब्द नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं वो होता है हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इस प्रकार से एग्जाम्पल हैं, मीना इज अ स्मॉल गर्ल, मीना एक छोटी लड़की है, तो यहां पर एडजेक्टिव क्या हुआ? स्मॉल। लेकिन ये एक्टिविटी एडजेक्टिव है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके बाद में अपना आया ये प्रोनाउन है, गर्ल क्या है? प्रोनाउन, तो प्रोनाउन से पहले एडजेक्टिव आया हमारा स्मॉल, तो ये हमारा आएगा एक्टिविटी एडजेक्टिव में, तो ये अपना आएगा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में। सेकंड लीजिए, रीना इज अ गुड गर्ल, रीना कैसी लड़की है? अच्छी, उसकी एडजेक्टिव, उसकी विशेषता क्या है? अच्छी लड़की है, लेकिन ये भी गर्ल प्रोनाउन, तो ये प्रोनाउन से पहले है, तो ये भी अपना
एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे इसको हम। थर्ड है अपना ही इज अ वाइज मैन, वह एक बुद्धिमान आदमी है, तो उस आदमी की विशेषता क्या है, वाइज, तो ये एडजेक्टिव हुई। लेकिन ये एट्रीब्यूटिव हुई क्योंकि ये भी अपनी नाउन या प्रोनाउन का काम करता है। तो इस प्रकार से गर्ल कैसी है, छोटी है, गर्ल कैसी है, अच्छी है, आदमी कैसा है, बुद्धिमान है। इस प्रकार से नाउन या प्रोनाउन से पहले जिसका यूज होता है वो होते हैं अपनी एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं उनको। ये हो गया अपना फर्स्ट यूज। अब सेकंड की बात करते हैं हम बच्चों, बात करते हैं हम सेकंड प्रेडिकेटिव यूज की। तो इसकी डेफिनेशन है एन एडजेक्टिव दैट यूजुअली कम्स आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन। जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के बाद यूज होते हैं वो होता है अपना प्रेडिकेटिव यूज। जैसे ही इज फैट, ही इज फैट, वह कैसा है, मोटा है। सेकंड सी इज वाइज, वह बुद्धिमान है। थर्ड ले लीजिए सेम एज लॉन्ग। तो इस प्रकार से ही इज फैट, ही क्या है अपना प्रोनाउन, सी क्या है अपना प्रोनाउन, सेम क्या है अपना नाउन। तो इस प्रकार से नाउन या प्रोनाउन के बाद में जो यूज होता है वो होता है अपना प्रेडिकेटिव यूज। जैसे डेफिनेशन थी एन एडजेक्टिव दैट यूजुअली कम्स आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के बाद आते हैं वो कहलाता है अपना प्रेडिकेटिव यूज। तो इस प्रकार से ये अपनी एडजेक्टिव थी फैट, वाइज, लॉन्ग, यानी कि सेम कैसा है, लंबा है, सेम की विशेषता है, लॉन्ग है। वह लड़की कैसी है, मानो वाइज है। ही वह कैसा है, फैट, मोटा है। इस प्रकार से जो ही सी सेम अर्थात नाउन और प्रोनाउन के बाद में यूज हो रहे हैं वो होता है अपना प्रेडिकेटिव यूज। इस प्रकार से आपने एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज एडजेक्टिव के दो यूज पढ़े। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एडजेक्टिव के टाइप्स, एडजेक्टिव अर्थात विशेषण कितने प्रकार की होती है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।